हेलो एवरीवन, देखिए आज हम करते हैं एनसीईआरटी के जितने भी हमारे बचे हुए क्वेश्चंस हैं ना उनको करते हैं। देखो जो हमने लेक्चर किए हैं ठीक है, उनके साथ साथ भी मैंने आपको करवाए हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन कुछ, ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो रह गए थे वो करते हैं आज, ठीक है। तो देखो जो हमारा क्वेश्चन है सबसे पहले वो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 1.3। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है आपको, चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वायर अपॉन में क्या है, जी एम ई एम पी। अब ये है क्या चीज, जो ये रेशियो इसने यहाँ पर बताई है के ई का स्क्वायर अपॉन में क्या है, जी एम ई एम पी। के क्या है यहाँ पर, के क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए तभी ये क्वेश्चन होगा, ठीक। और जी क्या है यहाँ पर आपका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्लियर है, ठीक है। अब देखो जरा आगे क्या कहता है, लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कॉन्स्टेंट्स, लुक अब क्या करना है आपको, फिजिकल कॉन्स्टेंट्स देखने हैं टेबल में, और एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। देखो सबसे पहले तो वो कह रहा है कि चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वायर अपॉन में जी एम ई एम पी इज अ डायमेंशनलेस, ये आपको चेक करना है। फिर हम आगे की बात करेंगे कि टेबल देखो उसमें जो फिजिकल कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू है उनको देखो और फिर डिटरमाइन करो इसकी रेशियो, ठीक है ना, इनमें वैल्यूज पुट करके फिर इनकी रेशियो आपको बतानी। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये डायमेंशनलेस है या नहीं है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहाँ पर आया था, जब हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू में क्या आया था आपके पास, के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वेयर आया था। तो यहाँ से अगर हम के निकाल लें तो ये आया था आपके पास एफ आर स्क्वेयर अपॉन में क्यू वन क्यू टू। तो यहाँ से इस के मुझे क्या चाहिए, डायमेंशन चाहिए, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखो फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, एम एल टी माइनस टू, ये पता है आपको, और डिस्टेंस है आर, यानी कि ये हो जाएगा एल का स्क्वेयर, और नीचे क्या है चार्ज के आपको पता है क्या होते हैं, ए टी। तो एक चार्ज का ए टी और दूसरे चार्ज का भी जब ए टी यहाँ पर लगाऊंगा तो वो ऐड हो जाएंगे, तो ये टू टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर ये क्यू हम बात करें चार्ज वन और टू की, ठीक है, तो यानी कि ये चार्ज का स्क्वायर है अगर चार्ज हमारा सेम हुआ, यही मतलब है, ठीक है। और यहाँ पर चार्ज सेम ही है क्योंकि ये ई स्क्वायर लगाया हुआ है, ये मैं अभी बताऊंगा कि ये कैसे आया आपके पास, ठीक है। पहले अभी यहाँ पर ये बात सुनो कि चार्ज का ए टी होगा, ऐसे समझ लो चार्ज का क्या होगा, 80, ठीक है, फिर दूसरे चार्ज का भी 80 ही होगा। तो इनको अब कंबाइन करो, देखो जरा यहाँ पर m आ गया और l, ये 2 और ये 1 कितना हो गया, l 3 हो गया, ठीक है, और साथ में ये क्या है हमारे पास t माइनस 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देख लो ये 80 है आपके पास, ये 80 नीचे क्या हो जाएगा, a की पावर 2 और t की पावर 2 हो जाएगा नीचे, 1 और 1 2, ठीक है। तो जब ये ऊपर जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, ए टू और ये टी टू। बताओ ये बात समझ में आ रही है या नहीं, क्या किया मैंने, इनको कंबाइन किया एल वालों को, और ये वाले क्या हो गए थे नीचे, ए टू टी टू, ऊपर जाके ए माइनस टू टी माइनस टू हो जाएंगे, क्या इतनी बात सही है, बताओ। तो ये हमारे पास के डायमेंशन है अभी, कि मैं इसको ऐसे ही लिख के रखता हूँ, ठीक है। अब जी की बात करते हैं, पहले जी के लिए डायमेंशन देखो, जी क्या है हमारे, यानी कि ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहाँ पर आता था, जहाँ हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होती थी उसका फॉर्मूला क्या था, याद होगा अगर आपको, जी एम वन एम टू अपॉन में आर स्क्वेयर होता था। यहाँ से अगर हम जी की वैल्यू देखें तो ये एफ आर स्क्वेयर अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ से एम वन एम टू। यहाँ से इसके डायमेंशन अगर निकाल लेंगे हम तो फोर्स के तो वही हो गए एम एल टी माइनस टू, और डिस्टेंस का हो गया एल स्क्वेयर, और मास का क्या हो गया, दो मास हैं तो ये एम टू हो गया, क्लियर है, इतनी बात बताओ। अब देखो जरा यहाँ से अगर हम देखें, ये तो चीज़ समझ में आ रही है ना आपको, ठीक, यहाँ से अगर हम देखें तो देखो ऊपर बनेगा एम एल थ्री हो गया ये, ठीक है, और ये टी माइनस टू, और ये नीचे वाला जो एम टू है ना ये मैं माइनस टू यहाँ लिख देता हूँ। अभी आपको समझ में आएगा ये नीचे वाले क्यों नहीं कंबाइन किए मैंने, यहाँ वाले भी इसी के साथ नहीं लिखे, ठीक है, अलग से लिखे, यहाँ पर भी ये एम जो है इसके साथ नहीं कंबाइन किया, अलग से यहाँ लिख दिया, जबकि ये वन माइनस टू माइनस वन हो सकता है, ठीक है, वो थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए, इसलिए मैंने ये चीज़ की है। यहाँ पर देखो ये जी के हमारे पास डायमेंशन आ गए या नहीं, बताओ। अब ये चीज़ यहाँ पर पुट करते हैं कि ये डायमेंशनलेस है या नहीं है। देखो के क्या डायमेंशन हैं हमारे पास, ये हैं एम एल थ्री टी माइनस टू, और साथ में क्या है हमारे पास ए माइनस टू टी माइनस टू, और ई स्क्वेयर है, यानी कि ये क्या है चार्ज ही है, चार्ज का ही क्या है स्क्वेयर है। तो चार्ज के डायमेंशन क्या होते हैं, ए टी, और स्क्वेयर लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ए टू टी टू। ये चीज़ समझ रहे हो या नहीं, बताओ। अब देखो ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि ये मैंने इनके साथ क्यों नहीं लिखा था, अब मुझे ये पता है ना ये वाली चीज़ इसके साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, अभी देखना आप।
अब क्या है हमारे पास, ये जी है, जी के वहां से देखो जरा, एम एल थ्री टी माइनस टू, और क्या है वहां पर हमारे पास एम माइनस टू, ठीक है। और यहां पर देखो जरा, ये भी एम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये मास ऑफ प्रोटॉन है, यानी कि दो एम हो गए, तो ये हो गया एम की पावर टू इस तरीके से। अब देखो ये वाले माइनस टू प्लस टू, ये जीरो हो जाएगा, टी की पावर माइनस टू है, ये वाली प्लस टू, ये भी माइनस टू प्लस टू जीरो, यहाँ माइनस टू प्लस टू, ये भी जीरो हो गया, यानी कि ये तो इससे कैंसिल हो रहे हैं, और यहाँ ये इससे कैंसिल हो रहा है पूरा का पूरा टर्म, तो क्या आ रहा है ये वन, तो यानी कि ये क्या है, डायमेंशन लेस है। यस द रेशो इज डायमेंशन लेस, क्लियर इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत इसमें। अब वो आपको यहाँ पर जो बात बोल रहा था, ये चीज़ तो क्लियर हो गई ना आपको कि कैसे किया हमने, पहले हमने क्या किया, हमें ये पता चल गया कि के क्या है हमारा, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट है, ना कि डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आई, अब देखो मैं जो आपको समझा रहा था कि ये चीज़ कैसे आई होगी, यहाँ पर इसने ये रेशियो जो लिखी है वो किसकी लिखी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की और ग्रेविटेशनल फोर्स की। देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो देखो इनको करो जरा, के क्यू वन क्यू टू ओवर में आर स्क्वेयर, और ये क्या है जी एम वन एम टू ओवर में आर स्क्वेयर, ठीक है। देखो आर स्क्वेयर से ये आर स्क्वेयर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, के क्यू वन क्यू टू ओवर में जी एम वन एम टू। अब यहाँ जो एम वन एम टू है ना, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है एक और एक है प्रोटॉन, बिकॉज यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल रही है, तो हमें पता चल गया कि एक है इलेक्ट्रॉन और एक है प्रोटॉन, इनके बीच की दूरी कितनी है, आर है, तो यहाँ पर हमें साफ पता चल रहा है ये के है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी ई मानेंगे और चार्ज ऑन प्रोटॉन भी हम क्या मानते हैं ई, तो ई ई क्या हो गया, ई का स्क्वायर हो गया, और ये जी, और ये मास ऑफ वन यानी कि इलेक्ट्रॉन, और टू क्या है मास ऑफ प्रोटॉन, ये है। तो ये जो रेशियो है वो किसकी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्लियर है। और किन के बीच में, इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विद द सेम डिस्टेंस, ये चीज़ समझ में आ रही है बताओ या नहीं, क्लियर हुई कहानी, ठीक है। तो इसको मैं ना यहाँ से, अगर ये चीज़ आपको पहले ही समझ में आ रही है, ठीक है, और कॉम्पिटिशन के अंदर ये क्वेश्चन है, और कॉम्पिटिशन के अंदर ये क्वेश्चन है, तो हमें ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं, हमें साफ पता चल रहा है कि ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, इनका आर स्क्वेयर ऐसे कैंसिल हुआ होगा, तो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल, तो फोर्स के जो भी ऊपर डायमेंशंस होंगे नीचे भी फोर्स के वही डायमेंशंस होंगे, तो कैंसिल होंगे, क्या आएगा वन आएगा, तो यानी कि डायमेंशन लेस है, ऐसे मैं देख सकता था इसको, क्लियर है। लेकिन हाँ, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें ये करके दिखाना पड़ा तो फिर हमें करके दिखाना पड़ेगा, वन मार्क में क्वेश्चन है तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि दिस इज द रेशो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड जो डायमेंशंस होंगे फोर्स के वो क्या होंगे, आप इस तरीके से करके दिखा सकते हो, एम एल टी माइनस टू एम एल टी माइनस टू, इस तरीके से बता सकते हो आप फोर्स के, तो वो क्या होंगे आपके, कैंसिल आउट होंगे, और ये डायमेंशन लेस क्वान्टिटी एंड की रेशो, ठीक है ना, क्योंकि सेम चीज़ अगर अपॉन में है, जैसे हम कहें ये मास है और नीचे भी मास है, तो डायमेंशन लेस नहीं रेशो हो गई ये, बताओ ऊपर भी मास नीचे भी मास, कैंसिल आउट होगा, तो वो वाली बात है, बताओ समझ में आया, इसको करो नोट, फिर हम बात करते हैं इसमें कि ये वैल्यू भी कह रहा है इस रेशो की निकालने को, करो इसको नोट। देखो जी, अब टेबल की बात करते हैं इसमें, ठीक है, तो ये वैल्यूज वैसे तो आपको ध्यान में रहनी चाहिए सारी की सारी, जैसे कि यहाँ पर आया हमारे पास रेशो के ई का स्क्वायर अपॉन में जी एम ई एम पी, तो के हमने बोल दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁻¹। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड एक है चार्ज ऑन प्रोटॉन, वो आपको पता ही है कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, दो बार लिख दूंगा, स्क्वेयर है क्योंकि, तो मैंने ये दो बार लिख दी, एक इलेक्ट्रॉन के लिए और एक प्रोटॉन के लिए, ये तो पता है ना चार्ज सेम ही होता है, ठीक है, एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है, लेकिन हमें पता है कूलम्स लॉ में जब हम चार्ज लिखते हैं तो हम कैसे लिखते थे, एफ इजिकल टू में क्यू वन का मोड और क्यू टू का मोड लिखते थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, और ये आर स्क्वेयर होता था, ऐसे याद आया कुछ, मोड में लिखते थे चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो वो वाली बात थी। जी हमें पता है क्या है हमारा ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ये वैसे एग्जाम में दिया होता है आपको, ठीक है, नहीं तो आपको याद भी रहना चाहिए, 6.67 × 10⁻¹⁷ होता है। मास ऑन इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है 9.1 × 10⁻³¹ होता है, ये सब वैल्यूज दी होंगी आपको, कोई टेंशन मत लेना, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता ही है 1.67 × 10⁻¹⁷ कितना होता है, −27 होता है, ये सब होती है वैल्यूज। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पर रख दी, अब इनको सोल्व करते हैं, तो देखो सोल्व करने का तरीका बेस्ट क्या है, पहले तो 10 की पावर्स को सोल्व कर दो, ठीक है, 10 की पावर यहाँ देखो 9 है, और ये −19 कितना हो गया, −38, ठीक है ना, और प्लस का 9 करना है हमें, तो माइनस करो कितना आएगा, ये −29 आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये आ गया ऊपर, तो आ गया 10 की पावर माइनस के 29, ठीक है।
और नीचे देख लो जरा, 10 की पावर ये माइनस 11, माइनस 11 माइनस के 31 और माइनस का 27, तो कर दो इनको ऐड, कितना आएगा 7, 8, 9, 3, 2, 5 और 1, 6 हो गया, तो माइनस का 69 आ रहा है। ये तो सब समझ में आ रहा होगा आपके, 10 की पावर माइनस का 69 आ रहा है। अब देखो ये 9 है, ये 9.1 है, लगभग सेम है, तो हम इस तरीके से इनको कट कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ऐसा कुछ नंबर जो होगा हमारे पास कैलकुलेशन आएगा, क्लियर है। जब भी इतनी जो मान लीजिए कोई थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन आती है, तो थोड़ा सा आप राउंड ऑफ करके इनको कर सकते हो। जैसे ये 1.6 है, ये 1.67 है, तो मैं इसको कट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी 1.6 दिख रहा है, यहाँ भी 1.6 दिख रहा है, तो मैं इस तरीके से इनको कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखो ऊपर क्या बचा हमारे पास, ऊपर सिर्फ बचा 1.6, और नीचे क्या बचा हमारे पास अगर आप ध्यान दो तो 6.67 बचा, सिर्फ 6.67 बचा, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इनको करो सोल्व, जरा ये प्लस का 69 बनेगा, ठीक है। तो ऊपर जाके ये प्लस का 69 और ये माइनस का 29 पावर्स को कर दो जरा, माइनस कितना आएगा 0 और 6 में से 2 गया, कितना हो गया 4 हो गया हमारा, ठीक है 40। तो यानी कि ये 10 की पावर तो आ रहा है 40, और यहाँ ये 1.6 है, इसका हमने 10 यहाँ लगा दिया, और 6.67 का हम क्या कर रहे हैं 100 जो लगेगा उसको मैं 100 को यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये 0 से ये 0 चली गई, तो यहाँ पर बचा ये 160। लेकिन ये इससे क्या है, छोटा नंबर है, थोड़ा बड़ा कर दें ताकि ये ईजिली डिवाइड हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला 0 तो इसके साथ आ गया, 10 की पावर 40 है ना जो, इसका एक 10 यहाँ ले लेता हूँ, तो मल्टीप्लाई हो गई 1600 बचेगा, और ये बच गया यहाँ पर 10 की पावर 39, समझ रहे हो ना। 10 की पावर 40 को ऐसे ब्रेक करो, तो 10 की पावर 40 है ना ये वाला, मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ, ठीक है, और एक 10 ये था हमारे पास, तो ये 1600 आ गया, यहाँ 10 की पावर 39 बचा, और नीचे कितना है हमारा 667 है। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, बिल्कुल ईजी है। तो बस अब डिवीजन करो इसकी, देखो 1600 को डिवाइड करो 667 से, 667 से, तो देखो जरा कितना आएगा ये आपके पास 667 को 2 से करो जरा, 27 का 14, 26 का 12 और 113, 26 का 12 और 113, 2 से चला जाएगा ये 1334, ठीक है। 3 पे तो आगे बड़ा हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 3 गया भी आपका 6 होगा, ठीक है, और यहाँ 5 में से 3 गया कितना होगा 2 होगा, फिर एक 0 लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट लगेगा, ठीक है जी। अब किस पे जा सकता है ये, अगर हम इसको करें किस से, 4 से करें, लिखें करके 4 से, 7 4 था 28, 6 4 था 24 और 2 26, 6 4 था 24 और 2 कितना हो गया 26, ये तो बड़ा हो रहा है ना, 8 ही नंबर ज़्यादा है लेकिन बड़ा तो है ही है ना। तो 6 7 को 3 से करो, 3 7 था 21, 6 3 था 18 और 2 कितना हो गया 20, 6 3 था 18 और 2 कितना हो गया 20 हो गया, ये आ रहा है 2001 आ रहा है जी, किसको करके 3 पे जा रहा है ये, ठीक। तो ये 10 में से 1 गया कितना हो गया 9, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बताओ, कोई दिक्कत। देखो आज मैं ये NCERT के आपके जो है ख़त्म करवाऊंगा क्वेश्चन जितने भी हैं, ठीक है, ताकि ये पूरा चैप्टर बिल्कुल आपके लिए क्लियर हो जाए कि इसमें कुछ भी नहीं बचा, ठीक है ना। तो पढ़ना आपका काम है, लेकिन अब 10 में से 1 गया 9 और ये कितना बचा यहाँ 5 और यहाँ भी बचा 5, ठीक है जी। अब ये 0 में लगाऊंगा यहाँ पर, क्लियर। अब देखो जरा अब किस पे जाने वाला है ये 667 को 9 से करूँ, देखो मैं कैसे देख लेता हूँ, लास्ट वाला कर लो, 69 का 54 हो रहा है, इससे छोटा हो रहा है तो करके देखते हैं। 79 का कितना होता है आपके पास 63 है, फिर 69 का 54 और 660, 69 का कितना हो गया 69 का 54 और 6, फिर ये 60 हो गया, ये तो ज़्यादा आ गया, 8 पे चला जाएगा ये, ठीक है जी, 8 पे चला जाएगा इजी, ठीक है ना, 8 पे आराम से चला जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये 2.38 पे जाएगा, ठीक। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको, करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें तो आंसर चाहिए था अपना, 2.38 इंटू में 10 की पावर 39 आ गया ये, ठीक है। अब रेशियो है तो यहाँ कोई यूनिट मत लगाना, ठीक है ना, कोई क्या है ये रेशियो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की और किसकी, ग्रेविटेशन फोर्स की, रेशियो का आंसर आया ये, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ अगर आप कंक्लूड कर सकते हो वो क्या, चलो पहले ये देखो 2.3 तक क्यों नहीं छोड़ा हमने ये, ठीक है, क्योंकि अगर आप पीछे आंसर देखोगे तो वो क्या राउंड ऑफ किया होगा, इसको 8 को हटाकर क्या किया यहाँ 3 को हम बढ़ा सकते हैं, 2.4 कर सकते हैं क्योंकि 5 से बड़ी है ना वैल्यू, तो पिछली एक बढ़ा देंगे 2.4 कर देंगे, 10 की पावर 39 आ जाएगा, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। ये तो आंसर हो गया आपका, ठीक। अब इसमें हम ये चीज़ क्लियर है तो क्या कंक्लूड हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो
ये चीज मैंने आपको बता दी थी कि ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स की रेशियो है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे हम आंसर लिखेंगे इसका, वो कैसे लिखेंगे, 2.4 इंटू में 10 की पावर 39, ठीक है। दिस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स एट सेम डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। बताओ जी, समझ में आ रही है बात क्या किया है? यही तो मैंने आपको बताया था, एक इलेक्ट्रॉन था और एक प्रोटॉन था, इनके बीच की दूरी कितनी थी, R थी, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो इसमें क्या बनेगा, के, इसका चार्ज E, इस पे भी चार्ज E, तो E स्क्वेयर अपॉन में R स्क्वेयर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बीच में कितना होगा, जी एम वन एम टू ओवर में कितना होता है, वो भी R स्क्वेयर। तो जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो ये R स्क्वेयर कैंसिल, तो ये अपॉन में ये, यही तो आया हुआ है। तो ये चीज़ आई समझ में या नहीं? अब यहाँ से आप कंक्लूड क्या कर सकते हो, देखो अगर हमें ये पता है कि एफ ई अपॉन में एफ जी इज इक्वल टू में कितना आया है, 2.4 इंटू में 10 की पावर 39, तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि 2.4 इंटू में 10 की पावर 39 टाइम्स है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है आपकी, वो कितनी ज़्यादा है ग्रेविटेशन फोर्स से, 2.4 इंटू में 10 की पावर 39 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। कैसे देखते हैं, देखो एफ ई कैसे आएगा, जब एफ जी को इसने से मल्टीप्लाई करोगे तब एफ ई आएगा। कई बच्चे सोचते हैं ये वाली ज़्यादा है, इतने टाइम से ये होगी, ये ज़्यादा हुई ना यार, ये चीज़ देखो, ये इससे मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ रहा है, तो यानी कि एफ जी तो जो होगा होगा, उसके बाद ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर एफ ई आ रहा है, तो यानी कि एफ ई जो है इतना टाइम्स इससे ज़्यादा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से ये तो आपको पता ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कॉम वाला, ड्राई हेयर्स पे हम कॉम करते हैं और कुछ पीसीज ऑफ पेपर पड़े होते हैं हमारे पास, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर, जब हम कॉम को उसके पास लेके जाते हैं तो पेपर ऊपर आ जाते हैं ना, तो यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स थी पहले तो, लेकिन जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आई तो वो जो पेपर्स हैं पीसीज पेपर के, वो क्या हो जाते हैं, कॉम के ऊपर आ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, तो यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स को भी ओवरकम करके वो ऊपर आ जाते हैं। तो ये तो आपको बात समझ में आ ही रही होगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ में आया क्वेश्चन, करो इसको नोट, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस करते हैं 1.4 और 1.5। देखो ये क्वेश्चंस में क्या थी, थ्योरी थी तो मैंने पहले ही लिख दी है, ठीक है, आप समझो। देखो क्या कहता है क्वेश्चन 1.4 में, एनसीईआरटी के कहता है, ए पार्ट में कहता है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। क्या कहता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है बॉडी का वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। इसका मतलब क्या है, क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता था, मैंने आपको बताया था कि Q इज इक्वल टू में होता था प्लस माइनस में एन ई, ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और Q है चार्ज, यानी कि जो यहाँ पर एन होता है हमारा वो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ऐसे ये चीज़ चल सकती है यहाँ पर, क्लियर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ये एन है ये क्या है, इंटीजर है, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारा, टोटल चार्ज होता है। मतलब क्या था हमारा यहाँ कहने का, कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो कैसे जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे या आएंगे। यहाँ प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब क्या होता है, अगर कहीं पर चार्ज प्लस है, जैसे मैंने कहा आपको ये दो बॉडीज़ हैं, ए है और बी है, इस पर प्लस टू है चार्ज और इस पर माइनस टू है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, प्लस टू ई और माइनस टू ई, मतलब क्या है, यहाँ पर यहाँ से दो गए हैं इसके पास, ठीक है, तो यहाँ प्लस टू ई हो गया, और माइनस है अगर तो मतलब क्या है, वहाँ पर आए हैं, तो जितना जाएगा उतना ही आएगा, ये तो चीज़ हमें पता है कंजर्वेशन ऑफ लॉ से, ठीक है। तो मेन बात जो यहाँ पर संबंधित थी कि जो क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, कि जो चार्ज जाता है वो डिस्क्रीट फॉर्म में जाता है, 1e 2e 3e, इस तरीके से जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था जब हमने थ्योरी की थी, कि मान लीजिए किसी पर्सन को उठ के जाना है, तो हम ये तो नहीं कहते कि आधा पर्सन जाएगा उठ के, ठीक है, हम क्या कहते हैं, एक गया या दो गए, ये तो नहीं कहते डेढ़ गया कहीं पे, ऐसा नहीं बोलते। तो वो वाली बात थी कि ये डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, ठीक है, तो ये क्वांटाइजेशन का मतलब है, ये हमने लिख रखा है यहाँ ए में, कि द स्टेटमेंट मींस दैट द टोटल चार्ज ऑन बॉडी इज इक्वल टू, इंटीग्रल मतलब क्या है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, वो क्या होता है हमारा टोटल चार्ज होता है, और एन क्या हमारा यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीके से समान वैल्यू चलेगी। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद क्या कहते हैं बी पार्ट में, कहते हैं वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद द मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक क्या होता है, लार्ज स्केल चार्जेस। कह रहा है ये जो क्वांटाइजेशन है ये हम इग्नोर करते हैं जब हम बड़े चार्जेस की बात करते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि तब चार्ज क्या होता है कॉन्टिन्यूस फॉर्म में हम उसको कंसिडर करते हैं। ऐसा क्यों है, देखो अगर हम बात करें जैसे आपके क्लास 10th में भी था एक क्वेश्चन, ठीक है, कि 1 कूलम है अगर चार्ज तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो उस केस में देखो जरा क्या होता था, यहाँ पर करते हैं, देखो q इज इक्वल टू में हमें पता है प्लस माइनस का एन ई होता है, तो n की जो वैल्यू होगी यहाँ से वो कितनी आ जाएगी, q बाय ई हो जाएगी। अभी हम नॉर्मल ये बात कर रहे हैं, ठीक है, चार्ज है 1 कूलम का और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, ये होता है, ये ऊपर जाएगा 10⁻⁴ कितना हो जाएगा प्लस का 19, और ये 1.6 है, पॉइंट हटाएंगे इसका 10 यहाँ आएगा तो वो हम ऊपर ले जाए लेकर जा सकते हैं यहाँ पर 10, ठीक है, क्लियर है इतनी बात, ये आपको पता ही है। अब देखो इसको करो, 4 4 16 या 2 8 16 and 2 5, ये बनता है हमारे पास, ठीक। अब यहाँ पर देखो जरा, अगर हम ये चीज़ देखें ये 5 अंदर है और 8 यहाँ है, डिवाइड करना है अगर हमें ये, ठीक, तो हम क्या करें इसमें थोड़ा सा चेंज क्या करें, हम इसको 50 बना दें और ये 10⁻¹⁸ रह जाएगा अगर ये आपको दिख रहा है इधर, और ये नीचे है 8, ठीक है, यहाँ का एक 10 में 5 के साथ ले गया तो ये ईजी हो जाएगी थोड़ी कैलकुलेशन, ठीक है, ईजी करने के लिए कर रहे हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो देखो जरा कितना आएगा, ये 8 6 48 और ये 20 पॉइंट आएगा तो 8 कितना 2 16 और 4 0 8 5 40 आ गया, ठीक है। तो यहाँ कर रहा हूँ मैं ये, देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो वैल्यू आती है वो आएगी हमारे पास 6.25 × 10⁻¹⁸, और ये पॉइंट अगर हटाएं हम, ठीक है, देखो पॉइंट हटाएं तो ये 10⁻¹⁸ में ये दो जीरो जब कटेंगे तो 16 रह जाएगा, 10⁻¹⁶, तो ये मतलब कितना बन गया 625, और आगे 16 जीरोज़ लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16, मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एक कूलम में, समझ रहे हो, एक कूलम में ही इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। आप देख लो 625 के आगे 16 जीरोज है, तो ये तो बहुत लार्ज वैल्यू है। तभी हम कह रहे हैं कि बड़े चार्ज की अगर बात हो रही है तो वहाँ पर हम क्वांटाइज्ड ना लेके हम कैसा लेके चलते हैं, कॉन्टिन्यूस की फॉर्म में मानते हैं और क्वांटाइजेशन को हम इग्नोर करते हैं डिस्क्रीट फॉर्म में, ठीक है, बड़े चार्जेस के लिए। तो यही लिख रखा है, एट मैक्रोस्कोपिक लेवल द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज इग्नोर्ड बिकॉज द चार्ज एट मैक्रोस्कोपिक इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू एलिमेंट्री चार्ज ई, जो ई के कंपेरिजन में तो जो मैक्रोस्कोपिक वाले चार्जेस हैं वो बहुत बड़े होंगे। देयर फोर इन सच केसेस चार्ज में बी ट्रीटेड एज कॉन्टिन्यूस एंड नॉट क्वांटाइज। मैंने आपको एग्जाम्पल बता भी दिया कि 1 कूलम में ही कितने सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो सोचो और बड़े चार्जेस होंगे तो फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो उस इसको चीज़ को हम क्या करते हैं, फिर इग्नोर करते हैं यहाँ क्वांटाइजेशन को बड़े चार्जेस के लिए। क्लियर है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखो जी क्वेश्चन नंबर 1.5 की बात करते हैं, कहते हैं व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ चार्जेस अपीयर ऑन बोथ। कह रहा है जब हम ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क के साथ तो चार्जेस दोनों तरफ आते हैं, सही बात है। ग्लास को हमने बताया था सिल्क के साथ जब करते हैं तो ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आता है, ये तो पता है जब रबिंग से हम करते हैं, ठीक है। कह रहा है अ सिमिलर फिनोमिनन इज ऑब्जर्व विद मैनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज, सही बात है, औरों के साथ भी होता है, जैसे मैंने आपको इबोनाइट रॉड का फर के साथ बताया था, ठीक है, तो वहाँ पर भी चार्जेस ऑब्वियसली बात है एक पे प्लस आएंगे एक पर माइनस आएंगे। कहता है एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कह रहा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे है यहाँ पर, देखो एक चीज़ को समझो, जब सिल्क था और ग्लास रॉड थी, ठीक है, तो ये पहले क्या थे, न्यूट्रल थे। जैसे मान लो ये क्या है हमारी एक ग्लास रॉड है, ठीक, और ये हमारे पास एक सिल्क का क्लॉथ है, ठीक, ये हो गया सिल्क क्लॉथ और ये क्या है हमारे पास ग्लास रॉड है, ठीक है। जब हमने इनको रब की, जब पहले इनको रब नहीं किया तो ये न्यूट्रल है, ऑब्वियस बात है, जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इस पे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इस पे हैं, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, क्लियर है। अब क्या हुआ होगा, जब इनकी रबिंग हुई तो इसके पास तो आ गया पॉजिटिव चार्ज और इस पर आ गया कौन सा, नेगेटिव चार्ज। अब खुद सोचो अगर यहाँ पर हमने कहा पॉजिटिव चार्ज आया तो जितना यहाँ पॉजिटिव आया उतना ही तो यहाँ नेगेटिव आया होगा या नहीं। सपोज करो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, तो 3 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए अगर, तो इधर 3 एक्स्ट्रा हो गए तो यहाँ माइनस का 3e आएगा, और यहाँ पर क्या हो गई, कमी हो गई 3 इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ प्लस का 3e आएगा। तो जब हमने रबिंग नहीं करी थी तब भी नेट चार्ज क्या था, 0 था, क्योंकि कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल थी दोनों बॉडीज। जब हमने क्या किया इनकी रबिंग करी और जब हमने देखा इन पर चार्ज आया, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो वो इक्वल अमाउंट का चार्ज होता है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, क्योंकि हमने क्या बोला था
चार्ज कंजर्व्ड होता है, जितना जाएगा उतना आएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से तीन गए और यहाँ दो रह जाएंगे, बीच में कहीं एक खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। या एक यहाँ बढ़ जाएगा, बढ़ता भी नहीं है, जितने इलेक्ट्रॉन गए उतने ही उधर जाएंगे। क्लियर है? तो यानी कि जहाँ से जाते हैं वो प्लस चार्ज होता है और जहाँ आते हैं वो माइनस। तो जितने गए उतने ही आए, तो जितना प्लस उतना ही माइनस। तो यहाँ पर तो ये है ही नहीं कि चार्ज बढ़ेगा या घटेगा। तो नेट चार्ज यहाँ भी क्या होगा, जब मैं नेट चार्ज निकालूंगा प्लस का 3 और माइनस का 3, तो जीरो ही होगा। तो रबिंग के बाद भी जीरो ही है नेट चार्ज, और रबिंग से पहले भी नेट चार्ज तो जीरो ही था। नेट चार्ज की बात कर रहे हैं हम, जहाँ हम टोटल चार्ज की बात करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो यानी कि चार्ज क्या है, कंजर्वड है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी भी हुई है कि व्हेन अ ग्लास रोड इज रब्ड विद द सिल्क क्लॉथ, द ग्लास रोड एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ एक्वायर्स या गेट्स नेगेटिव चार्ज। सिल्क एंड ग्लास आर न्यूट्रल बिफोर रबिंग, सही बात है, एंड आफ्टर रबिंग द नेट चार्ज ऑन बोथ इज जीरो। नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा रबिंग के बाद भी। जैसे मैंने आपको बताया, चाहे इस पे प्लस 3 है तो उधर माइनस 3 है, तो ये नेट चार्ज यहाँ भी जीरो आ रहा है रबिंग के बाद भी। रबिंग से पहले तो जीरो ही था। ठीक है, दैट इज द चार्ज रिमेन कंजर्वड है। दस द चार्ज इज नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, क्रिएट भी नहीं हो रहा है और ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, एंड दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? ये चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है जब मैंने थ्योरी बताई थी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वाली कहानी यहाँ थी और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाली कहानी यहाँ थी, इसके फर्स्ट पार्ट में। इसका बी पार्ट नया था कि भाई मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम इसको कंसीडर नहीं करते क्वांटाइज, उसका कारण मैंने आपको बता दिया। जब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हो जाते हैं तो वो बहुत बड़ा चार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू हम एलिमेंट्री जो हम चार्ज लेते हैं ई। ठीक है, तो उसके कंपेरिजन में, क्योंकि मैंने आपको बताया कितने एक कूलम पे ही कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं या आ रहे हैं, समझ रहे हो इतनी बात? तो कितने सारे थे, एक कूलम के लिए ही था। यानी कि बड़े जब चार्जेस की बात करेंगे हम तो वो क्वांटाइज्ड नहीं लेंगे, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में लेते हैं। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई? तो इसे अच्छे से नोट कर लेना, जब नोट्स बना रहे हो ना आप, ये अच्छे से नोट कर लेना, थ्योरी पार्ट है, इसलिए मैंने आपको ये पहले लिख दी। ठीक है, तो इसको कर लो नोट आप, फिर मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, करो इसको जल्दी से नोट। हाँ जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1.6। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है आपको, कहते हैं 4 पॉइंट चार्जेस हैं, QA, QB, QC एंड QD आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD। देखो कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD, मान लीजिए ये मैंने एक स्क्वायर बना दिया, ये है A पॉइंट, ये है B पॉइंट, ये है C और ये है D। A पर कितना है आपके पास, 2 माइक्रो कूलम का है, ठीक है, और B पर कितना है, माइनस का 5 माइक्रो कूलम है, और C पर कितना है, 2 माइक्रो कूलम है, और फिर D पर कितना है, माइनस का 5 माइक्रो कूलम। देखो आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ABCD पर, इस तरीके से हमने कहा कि लोकेट हैं, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर है, यहाँ साइड कितनी है, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलम, अब यहाँ पर देखो 1 माइक्रो कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, यहाँ 1 माइक्रो कूलम पे पूछ रहा है आपको कि नेट फोर्स क्या होगी। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। देखो मैंने आपको बताया था कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, जैसे कि मैंने कहा एक ट्रायंगल है, ठीक, यहाँ पर चार्ज क्यू है, यहाँ पर भी चार्ज क्यू है, यहाँ पर भी चार्ज क्यू है, यहाँ पर 1 कूलम का चार्ज है, तो इस पर बताओ सेंटर पर क्या आपकी फोर्स होगी। तो हमने क्या कहा था कि नेट फोर्स क्या होगी, जीरो होगी, ये चीज़ मैंने आपको करके भी बताई थी। ठीक, तो रेगुलर पॉलीगन कोई भी है उसके कॉर्नर्स पे अगर इक्वल चार्ज है, तो हमने क्या कहा था कि नेट चार्ज क्या, नेट फोर्स क्या होगी एट द सेंटर, जीरो होगी। अगर ये माइनस होते तो भी क्या हो जाती, जीरो हो जाती। क्लियर है, सेम होने चाहिए चार्ज। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ -5, -5, -5, तो सेंटर पे जीरो। क्लियर है इतनी बात? अब स्क्वायर की भी बात हमने की थी आपसे, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्यू है, तो सेंटर पे फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, उसका कहानी आपको पता है क्या थी, अगर ये 1 कूलम का चार्ज है मान लो, ठीक है, देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, देखो ये चीज़ आपको पता है, इसकी वजह से ये कहाँ होगा, इधर रिपेल होगा, और इसकी वजह से ये इधर रिपेल होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव की वजह से रिपेल होगा, तो ये एफ सी आ गई। ठीक है, और दोनों फोर्सेस क्या हैं, ये इक्वल हैं, बिकॉज यहाँ भी चार्ज क्यों, यहाँ भी चार्ज क्यों, ये भी डिस्टेंस सेम, ये भी डिस्टेंस सेम। यही होता है ना फोर्स का फॉर्मूला, क्या होता है, अगर मैं यहाँ एफ ए निकालता तो मैं क्या रखता, ये वाला के हो गया और ये क्यू हो गया और ये वन हो गया, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला, ठीक है, मान लो ये ओ सी है, ठीक है, इसका स्क्वेयर, सॉरी ए वाला देखना ना हमें, तो ये वाला क्यू ये हो गया और वन ये हो गया और ये वाला ओ ए, ओ ए का स्क्वेयर, ठीक है ना, एफ ए,
क्योंकि ये वाला इसको क्या कर रहा है, इधर रिपेल कर रहा है, ये होता है। एफ सी भी, ये वाली भी सेम यही होती। एफ सी कितनी हो जाती है बताओ, यहाँ पर कितनी जाती है, के क्यू ये वाला हो गया और वन ये चार्ज हो गया और ये वाला ओ सी का स्क्वायर। और ये ओ ए ओ सी क्या है, बराबर है, क्योंकि ये क्या है, डायगनल्स ऑफ द स्क्वायर क्या करते हैं, बाइसेक्ट टीचर है, तो ये इसके इक्वल ही होता है, ये चीज़ आपको पता है स्क्वायर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स होगी यहाँ पर इन दो के लिए वो क्या होगी, देखो अगर एक एफ ए प्लस का ले रहा हूँ मैं इधर, तो ये माइनस का एफ सी होगा और दोनों फोर्स क्या हैं, बराबर हैं, तो ये कितनी आ जाएगी, जीरो हो जाएगी, या नहीं बताओ। सेम कहानी यहाँ पर इसके लिए चलती, ये वाली भी सेम कहानी चलती, ये वाला इसको क्या करता है, इधर रिपेल करता, ये एफ डी फोर्स आ जाती, ये वाला इसको इधर रिपेल करता एफ बी फोर्स आ जाती, यहाँ पर भी जो नेट फोर्स होती वो जीरो आ जाती, ये चीज़ आपको बताई हुई है। सेम अगर यहाँ पर ये माइनस होते चार्ज तब भी क्या हो जाता है, ये जीरो हो जाती, ठीक है। लेकिन ये केस क्या है एक आपके पास, कि दो ये वाले प्लस के हैं और ये दो क्या है माइनस के हैं, तब भी जीरो हो जाती है। तब क्यों जीरो हो जाती है, देखो अगर अपोजिट कॉर्नर्स पर जो चार्ज हैं वो सेम हो, सेम पोलैरिटी के हो, तो देखो इसकी वजह से ये इधर रिपेल, इसकी वजह से ये इधर रिपेल, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो जाता, ये एरो बदल जाते बस, देखो ये वाला जो है इसको क्या करता, अट्रैक्ट करता, तो ये वाली एफ डी बन जाती, ठीक है ना, एफ बी जो बनाई थी ना मैंने, ये इसको रिपेल कर रहा था पहले, अगर ये प्लस का था तो ये इसको रिपेल कर रहा था, तो एफ बी इधर आ गई थी, लेकिन मैंने कहा ये माइनस का है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला अब इनमें भी क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, तो ये अट्रैक्ट करेगा, लेकिन बी से अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो ये फोर्स कौन सी होगी, बी वाली होगी, तो अब भी यहाँ क्या होगा, जीरो ही होगा। तो मतलब कहने का क्या है, या तो सब पे सेम हो, माइनस 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 माइनस, या प्लस 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 प्लस, तब भी जीरो है फोर्स सेंटर पर, या फिर अपोजिट कॉर्नर्स पर अगर सेम चार्ज हो, ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ दो माइनस के हो गए, ये दो प्लस के हो गए, तब भी जीरो है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर यही हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने डायरेक्ट इसमें आंसर लिख देना है कि जो भी रेगुलर पॉलीगन है उनमें अगर सेम चार्जेस हो तो नेट फोर्स क्या होती है, जीरो होती है। इस क्वेश्चन में लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्या था बच्चों को, कि यहाँ टू है और यहाँ फाइव है, लेकिन खुद सोचो जरा, जब हम ये डायगनल बनाएंगे इसमें, ये सेंटर ओ मान लो, तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये एफ बी होगा, और ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये एफ डी हो जाएगा, जैसे वहाँ पर मैंने आपको बताया अभी। लेकिन ये फोर्स और ये फोर्स इक्वली होगी, बिकॉज चार्जेस यहाँ सेम है, यहाँ भी चार्जेस सेम है, ये डिस्टेंस भी सेम है, ये डिस्टेंस भी सेम है, और अब फोर्सेस कैसी हैं, अपोजिट हैं, तो एक प्लस की एक माइनस की, जैसे वहाँ पर जीरो किया यहाँ पर भी जीरो होगा, या नहीं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जो एफ बी है वो किसके है, एफ डी के इक्वल है, लेकिन यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी अगर यहाँ पर हम देखें, तो क्या होगी, अगर एफ बी प्लस का ले रहा हूँ तो मैं एक एफ डी के लूँगा, और ये एफ के इक्वल लिया मैंने, तो एफ माइनस एफ कितना हो गया, यहाँ जीरो हो गया, ठीक है। सेम चीज़ मैं यहाँ के लिए भी करूँगा, ये तो समझ रहे हो ना, फोर्सेस इक्वल क्यों है, चार्जेस भी सेम ही है दोनों कंडीशंस में, और डिस्टेंस भी सेम ही है, जैसे वहाँ मैंने आपको करके बताया। यहाँ वाला इसमें देख लो, तभी मैंने कहा कि कॉर्नर्स पे सेम होने चाहिए, अपोजिट कॉर्नर्स पे होगी, अपोजिट कॉर्नर्स पे ये सेम है, समझ रहे हो, और यहाँ पर अपोजिट में यहाँ ये सेम है। अब ये वाला इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो एफ ए आ गई, ये इसको इधर रिपेल करेगा, तो ये आ गया एफ सी, क्लियर है इतनी बात। तो ये चीज़ ध्यान रखें, अगर यहाँ ये प्लस में होता और ये वाला माइनस में होता, फिर कहानी अलग आ जाती, फिर फोर्स जीरो ना होती। क्यों ना होती, क्योंकि देखो फिर क्या होता, ये वाला जो है चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है एफ डी, ये वाला इसको क्या करता, रिपेल करता, तो एफ बी भी इधर आ जाती, दोनों फोर्सेज ऐड हो जाती, ठीक है। लेकिन अभी तो हमें जो गिवन है वो माइनस का है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बताओ, कोई भी परेशानी है तो बता दो, क्लियर है, बताओ, चलें आगे, ठीक है जी। अब इसमें भी यही चीज़ हो रही है, देखो यहाँ पर एफ ए और एफ सी इक्वल है, इसको मैंने एफ लेट कर लिया, तो यहाँ भी जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगी वो एक एफ ए प्लस की मान ली मैंने, और एफ सी माइनस की मान ली, अपोजिट है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ माइनस एफ कितना हो गया, जीरो आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, नेट जीरो होगी फोर्स एट द सेंटर, क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है ये चीज़ें, ठीक है जी। उसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 1.7 पर, 1.7 क्वेश्चन में देखो, पढ़ो जरा क्या कह रहा है, ए पार्ट में क्या कह रहा है, थ्योरेटिकली ये बात क्या कहता है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कॉन्टिन्यूस कर्व दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, वाई नॉट, मतलब देखो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स आपने जब रिप्रेजेंटेशन की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स की, तो वो क्या थी, कॉन्टिन्यूस कर्व थी, तो क्या कह रहा है, दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, कि वहाँ पर सडन ब्रेक्स नहीं होते, वाई नॉट, क्यों नहीं होते, देखो जरा इस चीज़ को भी समझते हैं। देखो यहाँ पर इतना क्लियर हुआ, ऊपर वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया अच्छे से, देखो यहीं पर समझेंगे इसको भी। देखो मैंने आपको बताया हुआ है, जब हमने फील्ड लाइंस की रिप्रेजेंटेशन की थी, मान लीजिए ये प्लस का क्यू चार्ज है, ये माइनस का क्यू चार्ज है, हमने कहा था कि कैसे जाती है फील्ड लाइंस,
प्लस से माइनस की तरफ जाती हैं इस तरीके से, यही बताया था आपको। बताओ कैसी होती हैं ये, कॉन्टीन्यूस होती हैं इस तरीके से और इस तरीके से, यहाँ ये आती हुई दिखती हैं माइनस पर और प्लस से जाती हुई दिखती हैं, ठीक है जी, यही बताया हुआ है। अब वो ये कह रहा है कि ये कॉन्टीन्यूस कर्व तो है लेकिन अगर ये ब्रेक क्यों नहीं होती बीच में, कैन नॉट हैव सडन ब्रेक। देखो आपको जब मैंने बताया था फील्ड लाइंस के बारे में तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो फील्ड लाइंस हैं क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कि अगर मैं यहाँ कहीं पर टेस्ट चार्ज रखूँ, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो उसका मतलब क्या होता है कि ये उसका पाथ बता रही हैं फील्ड लाइंस, क्या बता रही हैं उस टेस्ट चार्ज का पाथ। ऑब्वियस आता है, ये देखो ये प्लस क्यू अगर यहाँ है हमारा यूनिट टेस्ट चार्ज, तो इसकी वजह से इधर रिपेल होगा और इसकी वजह से ये इधर अट्रैक्ट होगा, लेकिन ये इसका क्या बता रही है, पाथ बता रही है। यहाँ पर रखूँगा प्लस क्यू तो वो पाथ ये वाला फॉलो करेगा, पाथ ही तो बताती हैं फील्ड लाइंस यूनिट पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर सडन ब्रेक हो जाए, यहाँ पर ये ब्रेक हो जाए, ठीक है, तो अगर ये ब्रेक है यहाँ पर तो ये क्या होगा, अब क्या होगा यहाँ पे बताओ। अब आपके मन में आ रहा होगा यहाँ तो ये ब्रेक है, ब्रेक नहीं है यहाँ भी, ठीक है, यहाँ पर ये मिलेंगी इसी तरीके से, लेकिन क्या है इनका फील्ड जो है दूर हो गया ना अभी, तो दूर हो गया तो फील्ड क्या हो गया, कमज़ोर हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, तो मैं यहाँ की बात आपको करके बता रहा हूँ कि अगर यहाँ ब्रेक है तो फिर आता है ये यहाँ रुकेगा आके, तो ये जंप तो करने से रहा यहाँ, ये तो पॉसिबल नहीं है कि ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ जंप करेगा। और कभी ऐसा भी नहीं होता है कि एकदम से यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ और फिर एकदम से जीरो हो गया, एकदम से जीरो नहीं होता, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको पता है क्या होता है, फॉर्मूला क्यू अपॉन में 4πε0r² इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, यानी कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो धीरे धीरे ई भी कम होता है, डिस्टेंस बढ़ेगा ई कम होगा, या डिस्टेंस कम होगा तो ई बढ़ेगा। देखो दोबारा समझो, डिस्टेंस बढ़ेगा तो ई कम होगा, इन्वर्सली है ना, और डिस्टेंस अगर कम होगा तो ई बढ़ेगा, ये चीज है, ठीक है, आर बढ़ेगा तो ई घटेगा, ये कहानी है। लेकिन ये नहीं होता कि एकदम से जीरो हो गया और फिर एकदम से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आगे, ये नहीं होता। अगर मैं एक नॉर्मल पॉइंट चार्ज की बात करूं तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई थी हमने वो ये बनाई थी, या नहीं, अगर इसकी बात करो आप इसमें समझो, तो यहाँ मैंने प्लस क्यू रखा तो इसका मतलब क्या है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा यहाँ पर, तो इसका पाथ ये होगा, फॉलो होगा, समझ रहे हो। लेकिन अगर ये यहाँ से ब्रेक हो जाए तो अब ये यहाँ जंप तो करने से रहा इस तरीके से, ऐसे थोड़ी होगा, और ये भी नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ के बाद एकदम जीरो हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे 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 कम होता है, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ता है तो धीरे धीरे कम होता है, ना कि एकदम से जीरो हो जाएगा, क्लियर है। तो ये सब बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, तो यही सब यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, क्या है कि एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है, क्या है, पाथ है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का। इफ लाइन ब्रेक्स इट मीन्स टेस्ट चार्ज जंप, अगर लाइन ब्रेक होगी तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज जंप कर रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं होता। या फिर इट ऑल्सो मीन्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम जीरो, अगर फील्ड लाइन वहाँ नहीं है, ब्रेक हो रही है, तो यानी कि वहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है सडनली, बट ये भी पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। सो फील्ड लाइन्स कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, तो ये सडन ब्रेक्स नहीं होते हैं, जो कि इसने हमसे पूछा था कि कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, वाई, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आपको बताया भी हुआ है मैंने, जब फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंटेशन की थी और उनकी प्रॉपर्टीज की थी हमने, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आया था हमारे पास, क्या, एक्सप्लेन वाई टू फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। देखो अगर दो फील्ड लाइन्स क्रॉस करेंगी एक दूसरे को, जैसे मान लो ये बनाई हमने एक फील्ड लाइन, ठीक है, और दूसरी ऐसे बना दी, तो आपको पता है ना, कोई भी फील्ड लाइन्स है उस पर अगर हम ऐसे टेंजेंट डालते हैं, इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट डाला, तो ये डायरेक्शन ऑफ दैट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ दैट पॉइंट बताएगा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है ना, इस पॉइंट पे अगर यूनिपॉजिटिव चार्ज हो तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, क्लियर है। तो डायरेक्शन हमें पता चलती है यहाँ पर एक पॉइंट पर टेंजेंट्स डालने से। तो यहाँ पर अगर इस पॉइंट की मैं बात करूँ तो यहाँ इस फील्ड लाइन के लिए तो ये डायरेक्शन बन जाएगी इस पॉइंट की, और इस फील्ड लाइन के लिए ये डायरेक्शन बन जाएगी, मतलब एक ही पॉइंट है, पॉइंट एक ही है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई उसकी, दो हो गई, ये तो पॉसिबल नहीं है, एक पॉइंट पे डायरेक्शन तो एक ही होगी ना, दो थोड़ी होंगी, ये नहीं पॉसिबल हो सकती। तो यही कहानी यहाँ पर लिखी भी हुई है कि इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट्स शोइंग द टू डायरेक्शन एट वन पॉइंट, यही हो रहा है, दो टेंजेंट डायरेक्शन शो कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है, दो ही डायरेक्शन शो कर रहे हैं एट वन पॉइंट पर, विच इज नॉट पॉसिबल, हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर। बताओ जी कोई दिक्कत इसमें, बिल्कुल सिंपल सी कहानी, अगर आपने पिछला पढ़ा होगा अच्छे से तो बहुत ही सिंपल लग रहा होगा ये सब कुछ। ये क्वेश्चन देखो करने का फायदा तभी है जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा, डायरेक्ट इधर आओगे तो लगेगा यही सब कुछ मुश्किल है, जबकि ये सब कुछ ही आसान है, ठीक है, करो इसको नोट अच्छे से।
ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1.12। देखो 1.12 क्वेश्चन में क्या कहता है आपको, देखो ये 1.12 और 1.13 है ना जो, ठीक है इसी से रिलेटेड है, 1.13 भी जो है 1.12 से ही है रिलेटेड, तो इकट्ठा करेंगे इनको क्वेश्चंस को। देखो क्या कहता है 1.12 के ए पार्ट में, कहता है टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। मतलब क्या कह रहा है ये कि जैसे ये आपके पास ए और बी क्या है, कॉपर के स्फीयर हैं, ठीक है, और क्या कह रहा है इनमें आपको ये, ए एंड बी हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो मतलब यहाँ पर जो R है वो कितना है, 50 सेंटीमीटर का है। उसके बाद क्या कहता है, व्हाट इज़ द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ़ द चार्ज ऑन ईच। अब देखो यानी कि इस पर भी जो चार्ज है वो कितना है आपका, 6.5 × 10⁻¹⁷ सेम चार्ज है, और यहाँ पर भी कितना है, 6.5 × 10⁻¹⁷ है, सेम चार्ज गिवन है आपको, ठीक है, तभी रिपल्शन हो रही है, सेम चार्ज है, ठीक है, इसको ये रिपेल करेगा, ठीक है। द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल, इनकी जो रेडियाई है वो कह रहा है नेग्लिजिबल मान लो, ठीक है, और क्या कह रहा है, कंपेयर्ड टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो ऑब्वियसली बात है हम क्या कह रहे हैं, इनका जो सेपरेशन है ना, कईयों को जो है ये समझ में नहीं आता कि इनको सेंटर से मानना है क्या, तो हम सेंटर से ही मानते हैं ये चीज़, तो ये कितना है इनका, 50 सेंटीमीटर है, तो इनकी रेडियाई जो है वो क्या कर लेते हैं हम, नेग्लिजिबल कर लेते हैं। अगर हम छोटे छोटे बनाते हैं इनको ऐसे, तो इनका क्या हो जाता है, ये मान लीजिए हम क्या कहते हैं इनका आर कितना है, 50 सेंटीमीटर ऐसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से शो किया है कि रेडियाई क्या है इनकी, नेग्लिजिबल है, इतना कुछ सोचने की बात नहीं है, मेन है कि डिस्टेंस इनके बीच का कितना है, 50 सेंटीमीटर है, दो चार्ज हैं ये ए और बी पर, ठीक है। तो म्यूचुअल फोर्स हमें निकालनी है इसकी, ठीक है, ए पार्ट के लिए अगर हम बात कर रहे हैं इसमें, तो क्या करेंगे, एफ इज इक्वल टू, मैं आपको फॉर्मूला पता है, के क्यू वन क्यू टू ओवर में क्या होता है, आर स्क्वेयर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप समझो कि Q1 Q2 तो बराबर ही है, तो मैं इसको Q इंटू क्यू लिख सकता हूँ, या मैं इसको लिख सकता हूँ के क्यू स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर, बताओ कोई दिक्कत इसमें, लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, K की वैल्यू हो गई 9 × 10⁻¹, और Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6.5 × 10⁻¹⁷, तो दो बार लिख लेते हैं ये 10⁻¹, और क्या है हमारे पास, 50 सेंटीमीटर है, तो R जो अगर 50 है तो 50/100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 1/2 मीटर हो गया, ठीक है जी। तो 1/2 मीटर का स्क्वेयर, तो 1 का स्क्वेयर 1 हो गया, और अपॉन में 2 होगा, 2 का स्क्वेयर 4 होगा, तो वो मैं 4 यहाँ पर लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत इसमें, बताओ, बिल्कुल ईजी है। अब देखो 10 की पावर्स को सॉल्व करो जरा, −7 −7 माइनस का 14 हो गया, −14 और प्लस का 9, माइनस का 14 और प्लस का 9 कितना हो गया जल्दी से बताओ, माइनस का 5 हो गया, तो ये तो हो गया हमारे पास ये 10 की पावर माइनस का 5, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब बचा क्या, ये 9 बचा, 6.5 बचा, उसका मैंने 10 लगा दिया नीचे, फिर 6.5 बचा, उसका हमने 10 लगा दिया नीचे, और एक ये 4 भी बचा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर हम ये 4 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत, बताओ। अब सोचो ज़रा इसमें और हम क्या कर सकते हैं, देखो इनको मल्टीप्लाई करो ज़रा, मल्टीप्लाई करें या फिर हम क्या करें, चलो 5 पे कट करते हैं इसको, 5 1 5 3 15, 5 2 10, 2 2 4 2 5 10, एंड 5 1 एंड 5 3 15, ठीक है। तो 13 क्या होता है, 169 × 9, और इधर है 10⁻¹⁵, तो देखो जी 169 को 9 से करो, 9 9 81, 6 9 54, और 8 60 50, कितना हो गया ये, 6 9 54 54, और 8 कितना होगा हमारे पास, 62 होगा, और 9 1 9, और 6 कितना हो गया, 15 हो गया, तो ये आ रहा है हमारे पास 1521 × 10⁻¹⁵। लेकिन हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये पॉइंट यहाँ है, इसको लेफ्ट साइड लेके जाएंगे हम, तीन नंबर लेफ्ट साइड लेके गए, तो 10⁻³ लिखेंगे, और ये 10⁻⁵ तो है ही यहाँ पर, तो ये आ गया 10⁻⁻² तो ये हो गया, और ये 1.5 आ गया हमारे पास, ठीक है, न्यूटन। तो ये आ गई हमारे पास फोर्स, म्यूचुअल फोर्स, ठीक है, म्यूचुअल की बोला, जितनी फोर्स से ये इसको रिपेल करेगा उतनी फोर्स से ये भी इसको रिपेल करेगा, इसलिए म्यूचुअल फोर्स बोला, बताओ आया समझ में, ठीक है जी। तो उसके बाद देखो जरा क्वेश्चन में क्या कहता है, बी पार्ट में कहता है व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल, ईच स्फीयर का जो चार्ज है वो हम डबल कर दें, और जो डिस्टेंस है वो हाफ कर दें। अब देखो बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन में कि चार्ज को यहाँ डबल कर देंगे पहले, और फिर इसको जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर देंगे, फिर इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे, ऐसे नहीं करना आपने, आपने क्या सोचना है, देखो
पहले चार्ज जो था हमारे पास वो क्या था, ये वाला था Q1 और ये क्या था Q2 था, ठीक है। देखो इस तरीके से समझो, देखो यहाँ पर ये अगर मैं फोर्स मान के चल रहा हूँ, ये वाला Q1 चार्ज मान लिया और वो मैंने Q2 चार्ज मान लिया, ठीक है। तो जो अब बोल रहा है वो जो बी पार्ट में जो कंडीशन बोल रहा है, कह रहा है जो न्यू चार्ज आएगा अब, ठीक है, वो क्या हो गया हमारा हाफ हो गया, हाफ हो गया, डबल हो गया, डबल हो गया। व्हाट इज द फोर्स पोजीशन इफ ईच स्फीयर चार्ज इज डबल, डबल हो गया। तो डबल हो गया तो मतलब क्या, अगर पहले Q1 था तो अब 2Q1 हो गया और दूसरा कितना हो गया 2Q2 हो गया, यही मतलब हुआ इसका, ठीक है। और जो डिस्टेंस है वो हो गया हाफ, यानी कि R/2 हो गया वो। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत इसमें? अब देखो जब हम फोर्स निकाल लेंगे, जो न्यू फोर्स होगी हमारी वो क्या होगी, के ये वाला पूरा एक चार्ज हो गया, ये वाला एक पूरा चार्ज हो गया, और डिस्टेंस क्या होता है R/R का स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस ये हाफ कर दिया तो इसका स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ से के Q1 Q2 अलग लिख दिया मैंने, 2 2 4 यहाँ लिख दिया, आर स्क्वेयर यहाँ लिखा, और ये 2 का स्क्वेयर 4 यहाँ बनेगा, वो 4 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है ना, अपॉन में 4 आएगा ना, वो ऊपर चला जाएगा, तो ये बना 16, 4 4 16। और ये वाली वैल्यू देखो किसकी है, ये वाली फोर्स की है, 16 टाइम्स हो जाएगी जो अब नई फोर्स आएगी, यही मतलब है, ठीक है। अब जब 16 टाइम्स होगी तो यहाँ पर देख लो ज़रा, ये एफ की वैल्यू ये है, तो ये मैं डायरेक्ट यहाँ पुट कर दूँ 1.5 × 10^-2, तो मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा न्यू फोर्स, ना कि यहाँ चार्ज को डबल करते फिर ये हाफ करते फिर सारी वैल्यू को रखते और सोल्व करते, टाइम जो है आपका वेस्ट होता, तो बेस्ट है यही है तरीका। तो इसमें देखो अब हम क्या करेंगे, देखो 16 ये हो गया और ये 15 मतलब पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 आ गया, और 10^-2 ये माइनस 2 तो चल ही रहा है। देखो 5 3 5 2 2 8, तो ये कितना आ गया हमारे पास 8 3, मैं इधर कर रहा हूँ 8 3 हो गया 24, और इंटू में कितना हो गया ये 10^-2। 10^-2 का मतलब क्या है, अपॉन में 10^2 यानी कि 100, और ये कितना आ गया 0.24 न्यूटन फोर्स होगी अब। क्लियर है, यही पूछा था। तो यानी कि जो चार्ज उसने डबल किया और जो डिस्टेंस हाफ किया, देखो डबल करने से ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, डायरेक्टली पोर्शन होती है फोर्स, फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली पोर्शन होती है चार्ज के, ठीक है ना। तो ये डबल कर दिया तो फोर्स ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा ही होगी, और फोर्स इन्वर्सली होती है आर स्क्वायर के, और आर कम कर दिया तो फोर्स अभी ज़्यादा ही होनी है। तो इसलिए टोटल जब हमने देखा फोर्स कितने टाइम्स बढ़ गई, 16 टाइम्स बढ़ रही है पहले वाली से, क्योंकि चार्ज बढ़ा दिया बढ़ने से बढ़ता ही है, और डिस्टेंस घटा दिया और घटने से फोर्स घट बढ़ती है क्योंकि इन्वर्सली है, तो दोनों फैक्टर क्या हुए बढ़ा ही रहे हैं फोर्स को, तो वो 16 टाइम्स कर रहे हैं प्रीवियस फोर्स को। तो हमने 16 ये लिया और एफ डायरेक्ट यहाँ रख दिया तो आंसर आ गया, नहीं तो आप क्या करते यहाँ वैल्यूज पुट करते 2 से इसको मल्टीप्लाई और इसका हाफ करते, जो भी डिस्टेंस हमने लिया था यहाँ पर 1/2 का हाफ करते, मतलब क्या था वो थोड़ा सा कैलकुलेशन फिर से करनी पड़ जाती है आपको। बेस्ट है कि इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमने कर दिया इस तरीके से, बताओ समझ में आया या नहीं, करो इसे नोट फिर हम अगला करते हैं। देखो मैं यहाँ से ये चीज़ रब कर रहा हूँ, ठीक है, ये रब कर दिया मैंने इधर से, ठीक, और ये जो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन की थी, ठीक है, ये वाली ध्यान में रखेंगे हम बस, ठीक है, यहाँ पर ये जो आंसर आया था हमारा ये आया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, जो हमारे पास इसको सॉल्व करके आया वो कितना आया था 1.5 × 10^-2 न्यूटन ये आया था, ठीक है। अब पढ़ो ज़रा 1.13 सॉल्यूशन पढ़ो, 1.13 का क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्यूशन तो मैं कराऊंगा ना, ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या कहता है। सपोज द स्फीयर ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12, अब एक्सरसाइज 1.12 मतलब क्या कहता है ये आपको, जो क्वेश्चन है यहाँ क्वेश्चन को ही एक्सरसाइज बोल रहा है, तो 1.12 एक्सरसाइज मतलब ये क्वेश्चन को, हैव द आइडेंटिकल साइजेस हैं, ठीक है, आइडेंटिकल साइज हमने इनको एज्यूम किया, अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट। अब देखो जब मैंने आपको बताया था कि जब टच होता है, टच मतलब कंडक्शन होता है, ठीक है, कंडक्शन में क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये हमने अनचार्ज बॉडी से टच करी, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है टच करने से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इस पर भी उतने ही आ जाएंगे, मतलब हुआ क्या होगा यहाँ से, इसको क्या था मतलब यहाँ पर इसको 4 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तभी तो प्लस प्लस वाले 4 थे इस पर, ठीक है, तो इधर जो अनचार्ज थी इसने इससे क्या लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए इधर से, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके इस पर 2 ही पॉजिटिव रह गए अब, और इधर क्या हो गए,
दो पॉजिटिव, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन इधर से गए तो इस पे भी दो पॉजिटिव, इस तरीके से मतलब ये आते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, जितने यहाँ पर पॉजिटिव थे पहले अब अनचार्ज पे भी क्या होंगे, इक्वल अमाउंट में हो जाएंगे। तो ये क्या करेंगे अपने आप में, रिडिस्ट्रीब्यूशन हम समझ सकते हैं ये चीज़। अगर यहाँ चार था तो दो दो ले लिए इन्होंने, ठीक है, ये चीज़ होता है टचिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही कहानी आपको समझनी है कि जब ये वाला चार्ज जो ये स्फीयर था इस पे चार्ज जितना है, ठीक है, ये कह रहा है एक थर्ड जो चार्ज आया, थर्ड जो स्फीयर है वो लेकर आए हम। तो मैं यहाँ पर कराता हूँ, देखो ये है हमारे पास एक स्फीयर, एक स्फीयर ये है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, इस पर चार्ज क्यू है और इस पर भी चार्ज कितना है, क्यू है, क्लियर है। इसका चार्ज चलो हमने क्यू वन मान लिया, इसका क्यू टू मान लिया, जैसे यहाँ मानना था ये, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद एक थर्ड जो अनचार्ज स्फीयर लाए हम, इसके कॉन्टैक्ट में लाए, तो जब इसके कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है इस पे चार्ज क्यू वन है, तो इस पे भी चार्ज कितना आ जाएगा, क्यू वन बाई टू, और यहाँ पर भी क्यू वन बाई टू रह जाएगा। टोटल क्यू ही है चार्ज, क्यू वन ही है मतलब, तो इस पे क्यू वन बाई टू, इस पे भी क्यू वन बाई टू हो गया, ठीक है। अब ये चार्ज को हमने क्या किया, फर्स्ट के साथ लेके गए तो इस पे क्यू वन बाई टू हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सेकेंड एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम द बोथ। अब देखो ये इसको इसके पास लेके गया, तो मैं इसमें थोड़ा सा चेंज क्या करता हूँ, दोनों चार्ज मैंने सेम ही लिए थे ना यहाँ क्यू, तो मैं क्यू ही रखता हूँ, तो ईजी हो जाएगी कैलकुलेशन थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ क्यू था चार्ज, तो क्यू बाई टू हो गया, और यहाँ पर भी क्यू बाई टू हो गया, क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी मैंने क्यू क्यू ही मान लिए थे यहाँ पर, ठीक है, क्यू बाई टू हो गया। अब ये वाला जो स्फीयर है यहाँ से हटा के, यहाँ से हटा के क्या किया हमने, थर्ड जो स्फीयर है सेकेंड के पास लेके गए ऐसे, तो इस पे चार्ज पहले कितना था, क्यू बाई टू था, यहाँ से जब इधर लेकर आए तो अब इस पे क्यू और इस पे क्यू बाई टू। अब ये टोटल चार्ज देख लो कितना है, क्यू प्लस में क्यू बाई टू कितना हो जाएगा, ये टू यहाँ पर टू क्यू प्लस में क्यू कितना आया, ये थ्री क्यू बाई टू। अब टोटल चार्ज इनका क्या है, थ्री क्यू बाई टू है, तो ये इक्वल डिवाइड करेंगे ना, इक्वल डिवाइड करेंगे तो थ्री क्यू बाई टू टोटल है, इक्वल डिवाइड करेंगे तो हाफ हाफ करेंगे, तो मैं वन बाई टू करूँगा, तो ये थ्री क्यू बाई फोर, यानी कि थ्री क्यू बाई फोर इस पर आ गया और थ्री क्यू बाई फोर इस पर आ गया। बताओ जी समझ में आ रही है बात, क्या किया है हमने, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया भी था आपको, और मैंने वहाँ पर बोला था कि होमवर्क में आप कर लेना जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बताया था मैंने आपको, ठीक है, ये चीज़ आई समझ में। अब इनमें वही है सेपरेशन, तो वही चीज़ दी हुई है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर वाली दे रखी है, यही सेम कहानी है, ठीक, क्योंकि 1.12 का वो बोल रहा था आपको, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम एफ निकाल लें तो वो क्या बनेगा, के ये वाला क्यूब है, अब ये इसके पास गया ना, फिर यहाँ से भी रिमूव कर दिया इसको, इसको यहाँ से भी रिमूव कर दिया, समझ रहे हो, तो ये चार्ज बचा इनके पास, तो क्यू बाई टू इस पे रहा, थ्री क्यू बाई फोर इस पे रहा, और अपॉन में ये आर का स्क्वेयर, क्लियर है। तो यहाँ से देखो जरा आप, ये थ्री मैंने यहाँ रखा और फोर टू का ये एट यहाँ रखा, आर स्क्वेयर, और यहाँ के और क्यू 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 स्क्वेयर हो गया। अब ये वाली टर्म क्या है, ये वाली टर्म है, यानी कि ये वाला एफ है, ये वाला एफ क्या है, ये है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, थ्री बाई एट इंटू में एफ डैश न्यू फोर्स मान ली मैंने ये, ठीक है, इंटू में एफ होगा, यानी कि थ्री बाई एट इंटू में 1.5 इंटू में 10 की पावर माइनस टू होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो ज़रा, अगर हम देखें इसको सॉल्व करें तो देखो ये बनेगा 3 इंटू में 1.5 का ये 10 लग गया, ये है 8 और ये है 10 की पावर माइनस का 2। यहाँ से देखो ज़रा, अगर हम देखें 15 मतलब 5 3 था 5 2 था, तो ये कितना बन रहा है हमारे पास, 3 3 था 9 और 5 2 था 5 3 था, ठीक है, 8 2 था 16 ये हो गया हमारे पास, ठीक है, बात समझ पा रहे हो। और ये 10 की पावर माइनस टू है, यहाँ पर ये हो गया 10 की पावर माइनस का 2, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा चेंज क्या करें कि इजी हो जाए, ये मैं कट करता ही नहीं हूँ यहाँ पर, ये जो मैंने कट किया ना ये नहीं कट करता, ठीक है। देखो ईजी क्या होगा, अगर ये मैं ऐसे ही रहने दूंगा ना, ये आपको भी सोचना है खुद से, तो देखो 15 3 था 45 और ये 8 हो गया और ये नीचे 10 है ही है और ये 10 की पावर माइनस 2 तो यहाँ है ही है। 45 को 8 से डिवाइड करो, 8 5 ज़ा 40 और ये 50 आएगा द पॉइंट, एंड 8 कितना होगा, 8 7 ज़ा और 8 6 ज़ा 48 20 बस बहुत है ये, ठीक है। तो 5.6 कितना आ रहा है, 5.6 इंटू में 10 की पावर माइनस का 2 और ये 1 है ऊपर जाके माइनस का 1, तो ये बन जाएगा 5.6 इंटू में 10 की पावर माइनस का 3 बन जाएगा, बताओ, ठीक है जी, ये जो है न्यू फोर्स आएगी। बताओ ये दिखाई दिया यहाँ पर क्या किया हमने,
ठीक है, सिंपली 8 और 45 था ना, इनको डिवाइड किया 5.6 आया, ये 1 थी पावर, ऊपर जाके माइनस 1, तो ये 10 की पावर कितना हो गया, माइनस का 3, और ये 5.6 रहा। ठीक है जी, तो ये फोर्स आएगी, तो यानी कि ये 1.13 देख रहे हो आप, ठीक है, इसी पे डिपेंड था, तो मैंने इसी की जो फोर्स निकली थी वही वैल्यू यहाँ पर ले ली, लेकिन पहले इस तरीके से इसको सोल्व किया कि 3/8 टाइम्स हो रही है फोर्स के। क्लियर है इतनी बात, बताओ? तो 3/8 मल्टीप्लाई बाय 4 जितनी थी हमारी, 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ये किया हमने, पीछे आंसर चेक कर लेना, यही है। ठीक है, करो इसको नोट, फिर आगे करते हैं। हाँ जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1.14, देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, फिगर शोज द ट्रैक्स ऑफ द 3 चार्ज पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। देखो ये जो फिगर दिया हुआ है आपको, इसमें क्या बताया हुआ है, 3 जो है चार्ज पार्टिकल्स हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये जा रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, इस तरीके से यहाँ से ये ऐसे जा रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये देखो, ये ऊपर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर है? गिव द साइन ऑफ द 3 चार्जेस, तो साइन बताने आपको 3 चार्जेस के, एंड विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो। तो देखो चार्ज टू मास रेशो की बात में करते हैं, पहले तो 1, 2 और 3 जो पार्टिकल्स हैं आपको, इनके क्या बताने हैं आपने, साइन बताने हैं। तो देखो जो पार्टिकल 1 है, देखो ये ऐसे चला और ऐसे चलते चलते ये इधर शिफ्ट हुआ, और ये ऐसे 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 चलते हुए सेकंड वाला भी इधर डिफ्लेक्ट हुआ, तो यानी कि ये चार्ज कैसे होंगे, माइनस वाले होंगे। अगर ये माइनस वाले चार्ज हैं तभी तो ये पॉजिटिव की तरफ जा रहे होंगे या नहीं, बताओ? पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट किसको करेगा, नेगेटिव वालों को, तो यानी कि ये नेगेटिव होंगे। क्लियर है? और यहाँ से ये वाला जो है डिफ्लेक्शन, ये इस साइड हो रही है, तो यानी कि ये नेगेटिव था, तो ये कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा। तो पार्टिकल जो 1 है आपके पास वो कैसा होगा, नेगेटिव, पार्टिकल 2 भी नेगेटिव, और पार्टिकल 3 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये चीज़ आपको पता चल रही होगी, क्लियर है? पार्टिकल्स के बारे में पता चल गया, पहले 2 है नेगेटिव तभी वो पॉजिटिव की तरफ रिफ्लेक्ट हुए, और थर्ड वाला पॉजिटिव है तभी वो नेगेटिव की तरफ रिफ्लेक्ट हुआ। ये चीज़ आपके समझ में आ रही होगी, क्लियर है? इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत इसमें? उसके बाद हम बात करें कि चार्ज टू मास रेशो की। देखो चार्ज टू मास रेशो जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिफ्लेक्शन के, तो यहाँ डिफ्लेक्शन किसके लोगे, वाई के लोगे। क्यों है? देखो ये एक्स एक्सिस यहाँ पर गिवन है आपको फिगर में, ये एक्स एक्सिस हो गया ऐसे, और वाई है ऐसे ये वाला, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कैसा है, ऐसे है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, वाई एक्सिस पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। क्लियर है? तो जो डिफ्लेक्शन भी है वो कैसे हो रही है, ये देखो वाई के अलोंग हो रही है। अगर हम यहाँ देखें ये ऐसे जा रहा है, तो ये किसके अलोंग जा रहा है, वाई के अलोंग जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन जब हमें देखनी है, जिसकी डिफ्लेक्शन ज़्यादा उसका चार्ज टू मास रेशो भी ज़्यादा। अभी बता भी दूंगा ये कि कैसे होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है? देखो जरा यहाँ से, यहाँ पर ये हो रहा है इतना y के लिए, ठीक है? ये करेंगे हम तो इतना यहाँ y के लिए ये है, यहाँ करेंगे तो देख लो y के लिए ये सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पर देखने में भी पता चल रहा था कि थर्ड की रिफ्लेक्शन ज़्यादा है, ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, पार्टिकल 3 हैज हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो। क्लियर है? क्यों है वो भी, डिफ्लेक्शन क्योंकि थर्ड की ज़्यादा है। क्लियर है? अब ये बता भी देता हूँ मैं आपको कि कैसे आता होगा। देखो आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, प्रोजेक्टाइल मोशन को लगा लेना है। प्रोजेक्टाइल मोशन के अलॉन्ग अगर हम बात करें, तो मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस की बात करते हैं पहले। तो देखो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, ये ऐसे जा रहा है। जब ये ऐसे जा रहा है तो यहाँ देखो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से शुरू है, लेकिन यहाँ से ही ये पहले से ही ऐसे चल रहा है। तो यानी कि यहाँ जो ये पार्टिकल 1 है, 2 है, 3 है, इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो फिक्स होगी, तभी ऐसे गया एक्स के अलॉन्ग। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है? तो अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊं यहाँ पर, s इज इक्वल टू में ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s यहाँ डिस्टेंस में x ले लेता हूँ, और ये ut प्लस में हाफ at स्क्वायर के केस में यहाँ पर a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा x के अलोंग। क्यों? क्योंकि फोर्स नहीं है। देखो x के अलोंग तो ये ऐसे जा रहा है, फोर्स किसकी वजह से लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है डायरेक्शन, क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही इसमें फोर्स आई है, ठीक है? कुछ पार्ट इधर गया पार्टिकल और कुछ पार्टिकल इधर गए, लेकिन फोर्स तो कैसे है हमारी, वाई के अलोंग है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अलोंग है, तो इसी के अलोंग होगी हमारी। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो डायरेक्शन ये है, ठीक है? तो फोर्स हमारी वाई पे ही होगी, क्योंकि ई अगर वाई पे है, तो यहाँ पर ये देखो ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो फोर्स जो है एक्स के अलोंग तो है ही नहीं, समझ रहे हो? फोर्स किसके अलोंग है, वाई के अलोंग है, तो y के अलोंग ही एक्सेलरेशन होगा, इसका मतलब x के अलोंग तो होगा नहीं, क्योंकि देखो किसी चीज़ को हम फोर्स देते हैं तभी तो वो एक्सेलरेट होती है ना। तो x को, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम अलग अलग डिस्कशन करते हैं, x एक्सिस की अलग और y एक्सिस की अलग, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 होगा, बिकॉज यहाँ फोर्स नहीं है x के अलोंग कोई, ठीक है? ये तो इनिशियल वेलोसिटी u से फिक्स उससे चल रहा था यहाँ पर, क्लियर है इतनी बात? तो ये 0 हो गई टर्म, तो सिंपल क्या बचा यहाँ, ut बचा।
तो यहाँ से देखो ये मैं टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ एक्स बाय यू। अब देखो हम बात करते हैं इसमें अलोंग वाई एक्सिस, तो हम अगर अलोंग वाई एक्सिस की बात करेंगे यहाँ पर तो वाई एक्सिस के अलोंग भी वही होगा एस इज इक्वल टू में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगता है, ठीक है। यहाँ पर यू जीरो बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी तो हमने एक्स के अलोंग दी थी, वाई के अलोंग तो कुछ दी नहीं थी, तो ये टर्म तो हो गई जीरो। एस यहाँ पर हम वाई ले लेंगे तो ये हाफ ए टी स्क्वायर। अब ए की वैल्यू यहाँ पर आप किससे निकालोगे, एफ इज इक्वल टू क्या होता है एम ए, एफ की वैल्यू क्या होती है क्यू ई, तो यहाँ पर हम ए यहीं रहने देंगे एम यहाँ आ जाएगा तो क्यू ई बाई एम, तो यहाँ रखते हैं क्यू ई बाई एम। और टी वाई के अलोंग भी टी कौन सा हो जाएगा जो एक्स के अलोंग आया था, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में जो भी ये ट्रैवल कर रहा है टाइमिंग तो सेम ही है ना दोनों की, ऐसे थोड़ी एक्स के अलोंग अलग हो रही है वाई के अलोंग, चल तो ये क्या रहा है इकट्ठा ही चल रहा है ना सिस्टम, तो एक्स और वाई के अलोंग तो टाइमिंग तो सेम ही होगी, तो एक्स बाई यू मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, तो एक्स बाई यू यहाँ क्या हो गया ये इसका स्क्वेयर हो गया। तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो ई तो फिक्स है कॉन्स्टेंट है, एक्स भी डिस्टेंस भी फिक्स है, इनिशियल वेलोसिटी भी फिक्स है, तो ये चार्ज टू मास रेशियो यही बचा, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लगाऊंगा क्योंकि बाकी सारी टर्म्स मैंने हटा दी, तो ये था चार्ज टू मास रेशियो किस पे आ रहा है वाई का आ रहा है, यानी कि डिफ्लेक्शन के लोंग आ रहा है, तो पार्टिकल थ्री हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो बिकॉज थर्ड का क्या है डिफ्लेक्शन ज़्यादा है। क्लियर है इतनी बात, करो इसको नोट, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो जी पॉज करके नोट कर लेना, देखो अगले पे चलते हैं हम। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर आपको, अगले क्वेश्चन में देखो फ्लक्स के ऊपर है, ठीक है। तो फ्लक्स आपको पता ही है, अगर हमारे 3D स्ट्रक्चर है और अंदर चार्ज है तो हम फ्लक्स क्या बोल देते हैं कि जितना चार्ज है अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यही फ्लक्स था, ठीक है। यही गॉस लॉ ने बताया था, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट वाली कहानी बताई थी गॉस ने। तो देखो जी अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 1.18 में आपको अ पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। 10 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ पर है, ये 10 माइक्रोकूलम का कहाँ पर है, ये 5 सेंटीमीटर अबव द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ये एक स्क्वायर शीट है, जैसे कि मैं ये बताऊँ आपको, ये स्क्वायर शीट ऐसे पड़ी है और इसके 5 सेंटीमीटर के ऊपर यहाँ पर चार्ज पड़ा है, ये भी 10 है ये भी 10 है, क्लियर, और ये 5 है, ऐसे बीच में यहाँ पर चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसका क्यूब बना दूँ, ठीक है, तो एक शीट यहाँ ऊपर लग जाएगी और ये टोटल डिस्टेंस कितना होना चाहिए उसके बीच का, 10 होना चाहिए क्योंकि क्यूब है तो इक्वल होगा हर जगह से, यहाँ भी ये 10 लगेगी, यहाँ भी 10 वाली शीट लगेगी, यहाँ भी 10, यहाँ भी, तो बीच का डिस्टेंस भी 10 हो जाएगा और ये 5 पे पड़ा है चार्ज नीचे से यहाँ से, तो यानी कि ये इस क्यूब के सेंटर पे हो जाएगा चार्ज, यही हम सोच सकते हैं या नहीं। तो हम जब क्यूब बनाएंगे इसमें देखो सॉल्यूशन में 1.18 के, तो जब हम क्यूब बनाएंगे तो देखो कैसे बनाएंगे, इसके अंदर इस तरीके से क्यूब बना देना आप, ठीक, ये हमारे पास क्यूब बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाली जो शीट है ये वाली, ये इसका नीचे वाला फेस हो गया, एक क्यूब का नीचे वाला फेस हो गया, अब ये क्यूब है, ये वाली शीट जो हमें गिवन है वो ये है, ये वाला फेस आ गया ऐसे और इसके अंदर बीच में 5 सेंटीमीटर अबव अंदर की तरफ क्या है चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 5 ये ऊपर से हो गया क्योंकि हमने क्या बनाया, क्यूब बना दिया, और ये 10 की सारी साइड्स हैं, ठीक है। तो हमें ये पता है कि टोटल फेज कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो जो फ्लक्स होगी टोटल वो कितनी होगी इस क्यूब के अकॉर्डिंग, अगर हम ये कहें यहाँ से ये सेंटर पे 5 सेंटीमीटर पे ये 10 माइक्रोकूलम का चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस क्यूब में से अगर हम फ्लक्स देखें टोटल वो क्या होगी, क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट होगी, ठीक है। एंड फ्लक्स फ्रॉम वन फेज कितनी होगी, अब पूरे में से क्यूब में से कितनी निकल रही है, क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट निकल रही है, ठीक है। एक फेज में से कितनी निकल रही है, टोटल 6 फेज है, तो जो टोटल है वो 6 फेसेस हैं हमारे, तो एक में से कितनी निकलेगी, 1/6 निकलेगी, ये चीज़ तो समझ रहे हो, पहले भी समझाइए आपको, तो 1/6 क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट लगा दो जी, चार्ज कितना है 10 माइक्रोकूलम, तो 10 × 10^-6 अपॉन में 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10^-12, तो ये देखो कितना आ जाएगा आपके पास, इसका पॉइंट हटाऊंगा 100 ऊपर चला जाएगा तो ये 1000 हो गया, इंटू में ये कितना बन गया आपके पास -12 ऊपर जाके प्लस का 12, तो -6 + 12 प्लस का 6 आ जाएगा यहाँ पर, और नीचे कितना बचा है 6 × 8 = 5 बचा। अब यहाँ से देखो जरा, अगर आप देखोगे 5 × 2 = 10 और 5 × 1 = 5, 7 = 35, 5 × 7 = 35, ये बन रहा है आपके पास, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे
177 को 6 से करोगे ना तो 1062 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे। ये 200 है तो इसको इससे बड़ी वैल्यू बनाए तो 10 यहाँ ले लें इसकी 10 की पावर 6 की, तो ये 2000 हो गया। यहाँ क्या बचा, 10 की पावर 5 बचा। इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1.88 इंटू में 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, फ्लक्स के यूनिट होते हैं। और इसको राउंड ऑफ करोगे तो 1.9 इंटू में 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आएगा। ठीक है, अब इसमें जो पीछे आंसर देखोगे ना, ये 1.9 किसका आंसर दिया हुआ है इन्होंने, इस वाले क्वेश्चन का। तो वो क्या किया हुआ है, 1.18 का जो आंसर है वहाँ पर वो 1.19 में लिखा हुआ है, और जो 1.19 का आंसर है वो 1.18 में लिखा हुआ है, ये गड़बड़ हो रखी है वहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ आप चेक कर लेना, ये आंसर होगा वहाँ पर। क्लियर है, इतनी बात करो इसको नोट। देखो मैं बता भी देता हूँ, ये मैंने पहले भी आपको बताई थी कहानी, ठीक है, तो ये अभी फिर भी बता देता हूँ एक बार। ये यहाँ पर बुक में आपके जो पीछे आंसर है ना, वहाँ पर 1.19 में जो आंसर लिखा हुआ है ना, वो किसका है, 1.18 का है, और जो 1.18 का है वो आंसर किसका है, 1.19 का है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्लियर है, कर लोगे इसको, सिंपल सी कहानी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ईजी है। देखो अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2.0 माइक्रो कूलम। ये तो करवाए हुए हैं, मैंने आपको बोला भी था ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी चलो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो कि जो रह जाए हमारा। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज तो पूरी कंप्लीट है आपकी। ठीक है, उसके बाद जो है एनसीईआरटी के एग्जांपल्स रह जाएंगे 3-4 जो है, वो हम नेक्स्ट में करेंगे, और कुछ और न्यूमेरिकल्स भी ले लेंगे। ठीक है, फिर इसको चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक, देखो जी यहाँ पर जो सॉल्यूशन है हमारा 1.19 का, वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कहता है, पॉइंट चार्ज है हमारा 2 माइक्रो कूलम का, 2.0 है तो मतलब क्या है, ये 2.0 माइक्रो कूलम है तो मतलब क्या है, 10 लगाओगे तब सिंपल मैं बोल सकता हूँ क्या है, ये 2 माइक्रो कूलम ही है। ठीक है, और यानी कि 2 इंटू में 10 की पावर माइनस 6 है। उसके बाद क्या कहता है, गॉसियन सरफेस है, क्यूबिक गॉसियन सरफेस है, 9 सेंटीमीटर एज है। ठीक है, इससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता इसमें, क्योंकि जब हमें नेट फ्लक्स निकालनी होती है तो ये चीज़ का हमें सिर्फ इतना पता चल जाता है कि हाँ चलो ये क्यूब है, उसकी इतनी साइड है। ठीक है, लेकिन कह रहा है व्हाट इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, तो क्यूब में से तो हमें पता ही है, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं फ्लक्स टोटल क्या होती है, क्यूब बाय एप्सिलॉन, मतलब पूरी क्यूब की कह रहा है, इसमें एक फेज की कह रहा था, उसके कहा उसने स्क्वायर शीट था, लेकिन हमें पता क्यूब अगर बना देंगे तो एक स्क्वायर शीट ही बचेगी, उसकी एक फेज एक स्क्वायर शीट ही होगी, तो हम उस तरीके से हमने सोच के निकाल दिया। अब इसके लिए करेंगे तो हम डायरेक्ट बस क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट करेंगे, तो 2 इंटू में 10 की पावर माइनस 6, और ये कितना बनेगा, 8.85 इंटू में 10 की पावर माइनस का 12। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही है कहानी, देखो इसका 100 लगाएंगे तो ऊपर चल जाएगा, ये 200 हो गया और ये 885 हो गया, यहाँ पर 10 की पावर ये 6 हो जाएगा, माइनस 12 ऊपर जाके प्लस का 12, माइनस 6 प्लस 12 कितना आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से भी वही काम करने वाले हैं हम, देखो यहाँ तो आ गया ये 177, ठीक है, और ये 5 पे किया ना, और ये 54 था और ये 40 आ रहा है, तो 4177 और ये 0 इधर ले लो इसकी। ठीक है, तो ये 10 की पावर 5 बचा, तो ईजिली आप इसको क्या करोगे, अब डिवाइड कर सकते हो, जब डिवाइड करोगे ना तो ये आपके पास आ जाएगा 2.2, ठीक है, इंटू में 10 की पावर 5 कर लेना डिवाइड ये, ठीक है, और फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है जी, ये आपके पास क्या आएंगे, यूनिट होते हैं, किसके होते हैं, ये फ्लक्स के होते हैं, बहुत बार बताया भी आपको, अगर फ्लक्स हम देखें ए इंटू ए होते हैं, ई का न्यूटन पर कूलम, ए का मीटर स्क्वायर, तो वहाँ से आता है। क्लियर है जी, बताओ आ गया समझ में, तो ये जितने रह गए थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ये मैंने यहाँ पर आपको करवा दिए। इसके बाद जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स रह गए हैं 3-4, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक बार आपके हो जाएंगे कि हाँ सर ने करवाए हैं। ठीक है, तो मैं करवा दूंगा वो एक बार, और 2-3 और न्यूमेरिकल ले लेंगे, ठीक है, ताकि इस चैप्टर को हम ख़त्म करें फिर। क्लियर है, तब तक के लिए ये पढ़ो आप अच्छे से जितना भी है, ठीक है, सिलेबस थोड़ा धीरे चल रहा है, बात सही है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा फिर भी थोड़ा और टाइम निकाल के इसको जो है फास्ट ट्रैक पर लेके आएँ। ठीक है, क्लियर है, ओके, थैंक यू।